लोकतंत्र लोकतंत्र और सिर्फ लोकतंत्र, क्या वाकई अब हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या दो जगहों के लिए एक कानून बदला जाएगा? क्या आज आजाद भारत में पत्रकारिता पर भी बंदिशें लगेंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी सही साबित हो रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं, कुछ नहीं है, एकदम खाली है सारी चीजें। अब हमारे आजाद भारत में एक और नई चीज देखने को मिल रही है। जी हां, पत्रकारिता को भी अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होने लगी है। अब आपको पत्रकारिता में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेनी होती थी, प्रैक्टिस करनी होती थी, लेकिन अब जब आप किसी भी रैली को कवर करने के लिए जाएंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप रैली को कवर कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, कौन देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पहली है, पत्रकारिता में सर्टिफिकेट और वो भी कैरेक्टर का, ये कौन सा नया नियम आ गया है? तो गलत नहीं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हमारे इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है जो अब होने जा रहा है। लेकिन आपको जानकर और ज्यादा हैरानी तब होगी कि हमारे देश के पीएम यानी मोदी जी 5 अक्टूबर को हिमाचल के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से एक ऐसी मांग कर दी गई जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया और राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर हिमाचल जा रहे हैं 5 अक्टूबर को। पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स कैंपस का उद्घाटन करने के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो कुल्लू के दशहरा उत्सव में हिस्सा लेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि पीएम मोदी कुल्लू के दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन यानी हिमाचल प्रदेश के जिला प्रशासन की तरफ से एक मांग को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे को कवर करने वाले सभी पत्रकारों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र के बिना दौरा कवर करने की इजाजत पत्रकारों को नहीं दी जाएगी। अभी तक एक स्पेशल परमिशन की जरूरत होती थी अगर आप पीएम मोदी, अमित शाह या फिर बड़ी हस्ती का जो दौरा है, अगर आप कवर करने जाते हैं, रैली कवर करने जाते हैं, तो एक परमिशन की जरूरत होती थी। लेकिन अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। जिला प्रशासन की तरफ से ये फरमान दे दिया गया है कि सिर्फ निजी स्वामित्व वाले प्रिंट, डिजिटल या टीवी पत्रकारों को ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सहित सरकारी मीडिया प्रतिनिधियों को भी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जो लोग ये गलत फहमी में थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट हैं, जो YouTube के चैनल्स वाले हैं या फिर जो प्रिंट वाले हैं, उनको जो है सिर्फ और सिर्फ ये प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत फहमी दूर कर लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कदम जो है वो मीडिया की आजादी के खिलाफ है। आपको बताते चले कि DPRO बिलासपुर कुलदीप गुलेरिया ने सिक्योरिटी पास के लिए आधिकारिक पहचान पत्र को स्वीकार करने के इनकार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा है कि डिजिटल आईडी कार्ड पर आधिकारिक स्टैंप भी होना चाहिए। डीपीआरओ कुलदीप गुलेरिया ने कहा कि औपचारिकता सभी मीडिया कर्मियों के लिए जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग तरीके से जो बहस है वो छिड़ी हुई है। सबसे पहले इसमें जो हम आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं वो है पत्रकार रणविजय का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए इसी पूरी खबर के बारे में जानकारी दी है और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लिखते हैं, पीएम मोदी कल हिमाचल में रैली करेंगे। रैली को कवर करने वाले पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है। मैं पीएम होता तो साफ कहता, जो मेरी बड़ाई करेगा बस उसको एंट्री मिलेगी। बहुत हुआ लोकतंत्र वोकतंत्र का टंटा। सीधा जो आरोप लगाया गया था कि ये सिर्फ मीडिया की आजादी को खत्म करने के लिए पूरा ये एक रूल बनाया गया है, उसी को लेकर रणविजय ने भी लिखा है। ओम थलाईवी, उन्होंने भी थानवी, माफ करिएगा, ओम थानवी, इन्होंने भी इंडिया टुडे की खबर को कोट करते हुए लिखा है, हाँ हाँ मालूम है, जारी कौन करेगा पत्रकारों के चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो और भी यूजर्स हैं वो लिखते हैं, उनमें से कुछ यूजर्स के हम आपको कमेंट जो है वो पढ़कर बताएंगे। रास्काल्स करके एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस स्पीड से रावण की महानता और गुण पता चलते जा रहे हैं, अब तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये लोग उसे भी भगवान राम से भी महान ना बता दें, यानी ये सिर्फ तुलना की गई है। कुशवाहा अमरजीत करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि मतलब कांड करने वाले झूठ को सच बताने वाले पत्रकार तब तो पूरी फौज
फौज ही इकट्ठा हो जाएगी। और कुलदीप यादव करके ही इन्होंने लिखा है, जिसका खुद चरित्र गंदा ही रहा हो उसको अब चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ गई है। खबर प्रयागराज तक के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, शुक्र है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा, वरना जो है बाकी जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको तो जाने की बिल्कुल इजाजत ही नहीं मिलती। और एक यूजर हैं SSP करके, लिखते हैं, यदि ऐसा है तो फिर केवल उन्हीं पत्रकारों को प्राप्त होगा चरित्र प्रमाण पत्र जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर किया होगा। ये आप समझ रहे हैं जो अमित शाह जी ने बोला था कि 12वीं के बाद इंटर, उसी चीज को कोट करते हुए लिखा कि उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रकाश केवालिया करके हैं, ये लिखते हैं, इसी बहाने चरित्रहीन पत्रकारों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। मेरा देश महान करके एक ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं कि इनकी एंट्री पर बैन होगा, कहीं पोल ना खोल दे बीजेपी की। और इन्होंने एक जो है फोटो का कोलैब बना करके शेयर किया है, जिसमें सबसे पहले हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, उसके बाद जो है साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा और रवीश कुमार, ये सारे पत्रकार हैं। और उसके अलावा और भी प्रज्ञा मिश्रा को भी इन्होंने जो है वो टैग किया है और लिखा है कि इन लोगों की एंट्री पर साफ तौर पर बैन रहेगा, क्योंकि ये लोग बीजेपी की पोल ना खोल दें इसलिए इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन आप इस चीज को सोच कर देखिए और जवाब जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या अभी तक आपने ये देखा है कि अगर कोई रैली को कवर करने के लिए पत्रकार जाता है तो उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और वो भी कंपल्सरी कर दिया जाता है, यानी अनिवार्य कर दिया जाता है कि अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रैली कवर नहीं कर सकते। हालांकि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा और किस आधार पर दिया जाएगा इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जैसे ही ये पूरा आदेश सामने आया है, फरमान जो जारी किया गया है, उसके बाद राजनीति से लेकर सोशल मीडिया हर जगह पर घमासान जरूर देखने को मिल रहा है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और पत्रकारों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।